जब कभी बिहार घूमने का मन हो तो ट्रेन से नहीं बल्कि सड़क से होते हुए बिहार जाइएगा। जब आप बिहार में प्रवेश करेंगे तो बहुत कुछ अलग महसूस करेंगे। सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें और बिहार की भाषा में वो प्रेम आपको बहुत कुछ जानने पर मजबूर कर देगी। बिहार को जानने के लिए अगर ऐतिहासिक पन्नों को पलटेंगे तो आपको गर्व होगा, लेकिन वर्तमान को जानने के लिए कुछ पन्नों को पलटेंगे तो अफसोस होगा। बिहार 108 साल पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी अपनी गरीबी से उभर नहीं पाया है। यही वजह है कि बिहार आज भी भारत का सबसे गरीब राज्यों में से एक है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका नाम सुनते ही IAS, IPS, सरकारी बाबू, मेहनती, रिक्शा वाला और ना जाने कितनी ही छवियां हमारे जहन में बनने लगती हैं। भारत की सबसे कठिन परीक्षा UPSC को क्लियर करने वालों में बिहार के स्टूडेंट ही सबसे आगे रहते हैं। यह सुनकर मन को जो खुशी मिलती है, यह एक बिहारी से ज्यादा कौन समझ सकता है। लेकिन वही बिहारी मेहनत मजदूरी कर रेहड़ी रिक्शा चलाकर पेट पालने के लिए मजबूर भी है। मन में एक सवाल बार बार उठता है कि किसी को बिहारी कहना भला गाली कैसे हो सकता है। दिल्ली, पंजाब, मुंबई जैसे शहरों में बिहार से आए व्यक्ति को हीन नज़र से क्यों देखा जाता है? क्यों बिहार गरीब राज्य बनता जा रहा है? जो राज्य सबसे ज़्यादा आला अफसरों को पैदा करता है, वो राज्य इतना गरीब कैसे हो सकता है? और इन सवालों का जवाब हर कोई जानना चाहता है। 99,200 वर्ग किलोमीटर में फैले बिहार राज्य में गरीबी का मुख्य कारण है जनसंख्या का बढ़ना, साक्षरता दर का निम्न होना, सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार का बोलबाला होना, प्राइवेट नौकरियों का ना होना, निम्न प्रति व्यक्ति आय का होना। ये सभी मुख्य कारक हैं जो बिहार की कमर तोड़ राज्य को गरीब से और गरीब बना रहे हैं। बिहार राज्य के शहरी इलाकों में रहने वाले लोग थोड़े संपन्न जरूर दिखते हैं, लेकिन अंदर से देखने पर पता चलेगा कि सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और रंगदारी ने बिहार के शहरी इलाकों की भी जड़ें हिलाकर रख दी हैं। इसका एक नमूना किसी भी सरकारी विभाग में जाने पर देखा जा सकता है। हर जगह जिसे जहां मौका मिलता है वही ज़्यादा से ज़्यादा लूटने की कोशिश करता है। बिहार भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। बिहार का आर्थिक विकास सबसे कम है, सार्वजनिक सेवाएं सबसे बदतर स्थिति में हैं, मजदूरों में से लगभग आधे कृषि मजदूर हैं जो राष्ट्रीय औसत का दुगुना है। राज्य में महिला साक्षरता दर कम है, बाल मृत्यु दर काफ़ी अधिक है, कुपोषित बच्चों की संख्या ज़्यादा है। 6 से 13 वर्ष के 20 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, शिक्षकों की अनुपस्थिति आम बात है, आधे से ज़्यादा घर सड़कों से नहीं जुड़े हैं, आबादी के एक बड़े हिस्से को बिजली उपलब्ध नहीं है। बिहार की राजनीतिक मौसम में राजनेता झोलियां भर भर कर वादे कर रहे हैं। साल 2005 से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्ष्य बनाकर सरकार ने एक व्यापक सुधार कार्यक्रम शुरू किया था। उसने कानून व्यवस्था, निवेश का माहौल सुधारने और अधिक जवाबदेही पर भी ध्यान केंद्रित किया था। बिहार की स्थिति को देखते हुए बिहार के सुधार प्रयासों को विश्व बैंक विकास नीति ऋण ने मदद दी है और विकास के लिए आवश्यक मुद्रा की जगह बनाई है। हालांकि पहला बिहार DPL दिसंबर 2009 में बंद हो गया था, लेकिन यह कुल 9 अरब डॉलर के 4 संभावित ऋणों में से एक था। एक रिपोर्ट बताती है कि उड़ीसा से ज़्यादा गरीब लोग बिहार में रहते हैं, संख्या के मामले में नहीं आबादी के प्रतिशत के हिसाब से। अब देखिए बिहार दूसरे राज्यों से कितना गरीब है। बिहार में 33.7% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, झारखंड में 37% लोग गरीब हैं, पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में 20%, बंगाल में 21.9% से कम गरीब हैं। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ सालों से बिहार की स्थिति में सुधार हुई है, BPL परिवारों की संख्या में काफ़ी कमी आई है और कुछ परिवार गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।